हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय स्टडी चैनल। ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाएंगे। इससे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसके जो दोनों चैप्टर थे, पहला और दूसरा, उसको भी हमने वन शॉट में ही पढ़ा रखा है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और इस चैप्टर को भी वन शॉट में पढ़ाएंगे दोस्तों, आप लोग लगे रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, तो हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। तो इसमें दो चर रहेंगे, एक एक्स और एक वाई। रैखिक का मतलब है दोनों पे पावर एक एक रहेगा, और युग्म मतलब दो समीकरण रहेंगे। युग मतलब दो, मतलब एक एक्स वाला रहेगा, एक्स वन वाई वन मान लीजिए, एक एक्स टू वाई टू, इस तरह से मान सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, आप यहां से देखिए, ध्यान दीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। दो चर का मान क्या, तो एक एक्स और एक वाई, दो चर हो गया रैखिक, इस पे पावर एक है, वाई पे भी पावर एक हो, और समीकरण तो बराबर कि इस तरफ कुछ ना कुछ रख दिया जाए, तो जीरो रख दे रहे हैं। युग्म मतलब दो रेखा हो, एक तो ये हो गया और एक और ले लेते हैं, एक एक्स एक वाई। अब दोनों को अलग करना है ना दोस्तों, सेपरेट करना है, तो हम यहां मान ले रहे हैं कि ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, समीकरण एक, इसको मान ले रहे हैं ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, समीकरण दो। अब इन्हीं दोनों समीकरण से दोस्तों, अब इन्हीं दोनों समीकरण से हम ये पता करेंगे कि दोनों रेखाएं किस तरह से हैं, दोनों रेखाओं की प्रकृति कैसी है। तो हमारा तीन कंडीशन बनता है कि अगर ए वन बटे ए टू बराबर हो बी वन बटे बी टू के, या बराबर हो सी वन बटे सी टू के, तो क्या होगा। अगर ए वन बटे ए टू बराबर हो बी वन बटे, बराबर ना हो बी वन बटे बी टू के, और बराबर ना हो सी वन बटे सी टू के, तो क्या होगा। ए वन बटे ए टू बराबर हो बी वन बटे बी टू के, और बराबर ना हो सी वन बटे सी टू के, तो क्या होगा। ये तीन कंडीशन है दोस्तों, देखिए यही तीन हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर तीनों बराबर हैं तो कहेंगे कि रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं, और अगर तीनों नहीं बराबर हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं मतलब काट रही हैं। अगर दो बराबर हैं एक नहीं बराबर है तो रेखाएं समांतर हैं। अब हम आपको तीनों समझाते हैं कि समपाती क्या है, प्रतिच्छेदी क्या है, और समांतर क्या है। तो दोस्तों अगर कहीं, बाय द वे, अगर इस तरह से दिया गया हो कि समपाती हैं, तो इसका मतलब कि दो रेखाएं होंगी, एक होगा यक्ष, मतलब एक रेखा मान लीजिए कि हम इसे मान ले रहे हैं, एक मिनट ये देखिए, एक रेखा मान लीजिए कि इससे खींच दिए, एक रेखा ये हो गई, और दूसरी रेखा हमको खींचनी है तो इसके ऊपर से एक रेखा चली गई, ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये रेखा ब्लैक वाला जो है और एक स्केच वाला है, तो ये दोनों आपस में हो गई संपाती। प्रतिच्छेदी क्या होता है, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई जो इसको काट दी है, और समांतर क्या होता है कि एक रेखा ये हो गई दोस्तों और दूसरी रेखा ये हो गई, तो ये आपस में हो गई समांतर। ध्यान देंगे, संपाती में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरी रेखा रहती है, प्रतिच्छेदी में क्या होता है, दोनों एक जगह काट देती हैं, और समांतर में क्या होता है, दोनों ऐसे सीधे चले जाती हैं, कभी नहीं काटती हैं। तो ध्यान देंगे, संपाती में क्या है, बहुत जगह काट रही है ना, तो जिस बिंदु पे काटती हैं वो उसका हल होता है, वो एक्स वाई का मान होता है, तो ये तो अनंत बिंदु पे काट रही हैं, इसलिए इसके अनंत हल हैं। इसके हल कितने हैं, अनंत हल हैं। ये देखिए, ये एक जगह पे काट रही है तो इसका एक हल है, एक हल है, ये कहीं नहीं काट रही है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर नहीं काट रही है तो हल नहीं है, अगर काटती तो हल होता। एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे, अगर हल है, ये इसका भी हल है, इसका भी हल है, तो इस हल को हम कहते हैं कि ये संगत हल है। कैसे हल है, संगत, संगत है, ये भी संगत है, ये भी कैसा है, संगत हल है। लेकिन अगर ये नहीं हल है तो इसे कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ध्यान देंगे। अभी आपको इतना ही पढ़ाए हैं,
ये कि अगर a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 बराबर हो तब क्या होगा, ना बराबर हो तब क्या होगा, और दो बराबर हो तब क्या होगा। अब हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इन दोनों को हल करने की विधि, इन दोनों को हल करने की जो विधियां हैं वो आपके जो है सिलेबस में तीन विधि हैं। पहला है कि ज्यामिति से हल करेंगे फिगर बना के, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है विलोपन विधि से। यही तीनों आपको पढ़ना है, यही तीनों हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ज्यामितीय विधि से हम आपको हल करना बताने जा रहे हैं, या ग्राफीय विधि से हल बताने जा रहे हैं। ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना, यही टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कैसे करते हैं ध्यान देंगे। अब हमको दो समीकरण मान लेना है दोस्तों। तो पहला हम ये मान ले रहे हैं कि माना दो समीकरण हमारे क्या हैं, एक है x प्लस वाई बराबर 8, और एक हम मान ले रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 2। एक हम मान ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर 8, और एक हम मान ले रहे हैं x माइनस वाई बराबर 2। इसका भी ग्राफ खींचेंगे, इसका भी ग्राफ खींचेंगे। अब दोनों का हम खींचेंगे ग्राफ, ठीक है। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, आपको हम सबसे शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं कि पहले समीकरण में अगर हम देखें, पहले समीकरण में कि यक्स प्लस वाई बराबर 8 है, तो इसमें अगर हम यक्स बराबर 0 रख दें, तो यक्स मतलब 0 का मतलब यक्स खत्म कर दें, तो वाई बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 8। और अगर इसी में हम वाई बराबर 0 रख दें तो वाई खत्म, तो यक्स बराबर क्या मिल गया, 8। तो ये एक चीज हमको एक समीकरण से मिल गया है कि अगर यक्स बराबर 0 देखा जाए तो वाई बराबर 8, और वाई बराबर 0 देखें तो यक्स बराबर 8। पहले मैं आपको ये बना के दिखा दूं कि कैसे हम लोग करेंगे, है ना। ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, एक स्केल ले लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, हल्का सा ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। ध्यान देंगे तो हिल गया पूरा, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब हमको क्या करना है कि हमको 8 तक ले जाना है ना, 8 तक। तो देखिए इसे तो 0,0 मान लेंगे, उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ, यहाँ पे करते रहे 8, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम पहला समीकरण जो है, ये जो हमारा पहला समीकरण है दोस्तों, ये पहला समीकरण इसको दिखा रहे हैं। जब हम x बराबर 0 लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जब हम x पे 0 ले रहे हैं, 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो y पे 8, ये हो गया x बराबर 0, y पर 8, इतना चीज, x बराबर 0, y पर 8। ये क्या है, y बराबर 0, फिर यहाँ से x पर 8, ये हो गया। अब इनको मिला दिए, अब अगर हम इनको मिला दें तो जो रेखा बनने वाली है, ध्यान देंगे, अब अगर हम इनको मिला दें, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, देखिए इस पॉइंट का नाम है यक्स बराबर 0, वाई बराबर 8, इस पॉइंट का नाम है ना कि यक्स बराबर 8। ध्यान देंगे एक्स बराबर 8, वाई बराबर 0, पहले यक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं, तो इस रेखा का नाम है बाबू कि यक्स प्लस वाई बराबर 8, इस रेखा का नाम है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इस रेखा को खींचेंगे। तो अगर हमको ये रेखा खींचना है समीकरण नंबर 2, तो देखेंगे इसमें क्या है कि अगर हम x माइनस वाई बराबर 2 लेते हैं, अगर हम x बराबर 0 रख देते हैं इसमें, तो x खत्म, तो y माइनस वाई बराबर 2 आएगा, यानी कि y बराबर माइनस 2 आ जाएगा, x खत्म हो जाएगा ना, तो y बराबर 2 आ गया माइनस वाई बराबर, तो माइनस उधर जाएगा, तो y बराबर माइनस 2 आ गया, एक कंडीशन ये बन गया। अब अगर इसी में हम y बराबर 0 रख देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा, एक कंडीशन ये बन गया। तो अब इसे देखा जाए तो इसमें माइनस आ गया है, तो माइनस का भी ग्राफ खींचना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ ले लेंगे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 तक ले लेते हैं बस। देखिए अब अगर x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 2, ये हो गया x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 2, ये हो गया। ये ध्यान देंगे, एक मिनट, ये x एक्सिस है, गलती है हमारी,
हमें वाई एक्सिस पे जाना है, ये हो गया। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे माइनस एक माइनस दो, ये वाई है ना, तो वाई पे हमको जाना, तो एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर माइनस दो, ये हो गया माइनस तीन माइनस चार। तो ये एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर माइनस दो, अगर वाई बराबर जीरो तो एक्स बराबर दो, ध्यान देंगे। अगर देखिए एक्स बराबर जीरो, एक्स जीरो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई पे माइनस दो ये आ गया। अब वाई बराबर जीरो फिर यहीं पे आएंगे तो ये एक्स बराबर दो, तो ये आ गया। तो अब इसे हम खींचेंगे ऐसे, इस रेखा को मिलाकर ऐसे खींचेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे कट रहे हैं दोनों। ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों कट जा रहे हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कट रहे हैं। तो जहाँ पे कटेगा वही इसका आंसर होता है बाबू, जहाँ पे कटता है दोस्तों वही इसका आंसर होता है दोस्तों, ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पे कटा है तो अब हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा आंसर है ना यहाँ से। तो अगर ग्राफ होता तो पता चलता, देखिए तो यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर खींचे अगर, तो ये 5 के करीब में आ रहा है, और यहाँ से खींचा जाए तो ये 3 के पास आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि x बराबर 5 आ रहा है और y बराबर 3 आ रहा है। अब हम समीकरण में रख के चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है। एक हमारा x बराबर 5 आ रहा है और एक हमारा y बराबर 3 आ रहा है। अब ये दोनों समीकरण में रख के देखा जाए अगर, क्या x 5 और 3 8 आ रहा है जोड़ने पर, x की जगह पे 5 रखेंगे y की जगह पे 3 रखेंगे तो ये 8 आ रहा है, फिर x की जगह पे 5 रखेंगे फिर वाई की जगह 3 रखेंगे, ये 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से ग्राफी विधि से हम हल करते हैं, फिर लिखेंगे कि हल यक्स कामा वाई बराबर एक्स की जगह पे 5 और वाई की जगह पे 3, ये आंसर है दोस्तों। इस तरह से हम जो है ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कर लेते हैं। अब हम आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि भी साथ में ही बता दे रहे हैं, ध्यान देंगे, याद रखिएगा यही आंसर हमेशा आएगा चाहे जो विधि लगाएंगे, वो दोनों विधि बताकर उसके बाद तीनों एक्सरसाइज हम आपको जो है बता रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, मतलब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक युग्म समीकरण को हल करना, समीकरण का हल, ये आपको हम जा रहे बताने हैं, ध्यान देंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले अब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है याद रखेंगे, जैसे कि हमारा समीकरण था, एक था कि यक्स प्लस वाई बराबर 8, एक समीकरण ये था, एक हमारा है कि यक्स माइनस वाई बराबर 5, है ना, दो था, दो, एक ये है एक्स प्लस वाई बराबर 8 और एक ये है एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब ये दोनों रैखिक हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। अब किसी भी एक में से एक्स का मान निकाल लेंगे और दूसरे में रख देंगे, चाहे x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें, जो निकालने में आसानी हो। तो यहां से देखेंगे हमको x का मान बड़े आसानी से निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये माइनस वाई है, इधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि x बराबर 2 प्लस वाई, तो ये हमारा x का मान आ गया, x का मान आ गया, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब यहां पर हम x का मान लाकर रख देंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, लैंग्वेज लिखना पड़ता है, समीकरण 3 से एक्स का मान रखने पर, लैंग्वेज लिखना पड़ता है दोस्तों, एक्स का मान रखने पर, समीकरण 3 से एक्स का मान रखने पर, अब एक्स बराबर रखेंगे 2 प्लस वाई बराबर 8। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है 2 प्लस वाई जो है वो इस एक्स का मान है जो हम यहाँ से लाकर रखे हैं, एक्स बराबर 2 प्लस वाई एक्स के जगह पर हम लाकर रखे हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए कि वाई प्लस वाई 2y, ये प्लस 2 है इधर जाएगा माइनस 2, ये प्लस 2 है दोस्तों इधर जाएगा माइनस 2, और y प्लस वाई 2y। तो अब जब हम 2y लिखते हैं तो 8 में से 2 गया तो 6, ये 2 आएगा नीचे, जो गुणे में रहता है वो बटे में जाता है, ये इम्प्लाइज का साइन है, इसको हम ऐसे लगाया करते हैं, इसका मतलब होता है या, तो 2 आ गया नीचे तो ये गया 6/2, भाग देंगे तो y बराबर 3 आ गया दोस्तों, यानी कि हमारा आंसर लगभग लगभग सही है ना, हाँ y बराबर 3 आ ही रहा था। अब हम ये y बराबर 3 यहाँ पर भी रखेंगे, इस लाइन को इसे बड़ा कर दिए, अब लिखेंगे ये समीकरण नंबर 4, तो लिखेंगे समीकरण 4 से y का मान रखने पर,
वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर अब रख देंगे, तो देखिए दो तुम्हारा पहले से था, अब वाई के जगह ही पर हमको क्या रखना है, तीन रखना है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, एक्स का मान आ गया 5। तो ये इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि लगाकर एक्स और वाई का मान निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं विलोपन विधि। बड़े ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही ध्यान से देखिए, इस एक ही वीडियो में हम खत्म कर देंगे, पूरा ध्यान दीजिए। अब हमको देखना क्या है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या होता है आपको बता रहे हैं, अब हम लिखेंगे विलोपन विधि, डायरेक्ट लिखेंगे शॉर्टकट में विलोपन विधि, बस इसके बाद आप लोग समझ जाइएगा कि विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं समीकरण को, ध्यान देंगे। तो हमारा पहला समीकरण ये था दोस्तों कि x + y = 8, ये हमारा समीकरण नंबर एक है। उसके बाद है x - y = 2, ये समीकरण नंबर दो है। तो अब हम क्या करेंगे, यक्ष विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं, याद रखेंगे। समीकरण को पहले बैलेंस करते हैं, फिर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। अगर यह देखेंगे कि एक प्लस है एक माइनस है और दोनों बैलेंस है, देखिए एक वाई यहां पर भी है एक वाई यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम जोड़ लेंगे ताकि ये प्लस माइनस कट जाए, बस हमारा आंसर आ जाए। अच्छा, अगर दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तो घटा देंगे। तो अब हम चल रहे हैं एक्स का मान निकालने के लिए, दोनों समीकरण को जोड़ दे रहे हैं। तो जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, जैसे ही हम समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कट जाएगा और एक्स का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर कि समीकरण एक प्लस दो से, समीकरण एक प्लस दो से, और इसे हम ऐसे लंबा खींच दे रहे हैं, समीकरण एक प्लस दो से। तो जोड़ने का मतलब है लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और राइट को राइट के साथ जोड़ेंगे 8 + 2। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए प्लस वाई और माइनस वाई ये कट जाएंगे, आप काटिएगा नहीं परीक्षा में इस तरह से, लेकिन देखिए कट जा रहे प्लस वाई माइनस वाई, और एक्स और एक्स 2x, यक्स और यक्स 2x, 8 और 2 10 हो गया, 2 आ जाएगा नीचे, जो यहाँ गुणे में होता है यहाँ बटे में आता है, भाग में आता है। तो यक्स बराबर आ जाएगा 10/2। अब 10 में 2 से भाग देंगे तो यक्स का मान आ गया 5। फिर से देख लीजिए, ये हो गया विलोपन विधि। अब अगर हम इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएं तो यक्स वाला कट जाएगा, कैसे, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है दोस्तों, दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए यक्स वाला जो है कट जाएगा, ध्यान दीजिए। अब अगर हम जैसे ही जोड़ेंगे तो एक एक्स, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो भाई 2x हो जाएगा, लेकिन अगर हम घटाते हैं तो कट जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण एक माइनस दो से, मतलब एक से हम 2 को घटा दिए, ठीक है। माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, वहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि घटा रहे हैं, है ना। तो देखिए जब घटा रहे हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट से घटाते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से घटाते हैं और राइट को राइट से घटाते हैं, राइट को राइट से घटाते हैं, ध्यान देंगे। इस जब घटाते हैं तो ब्रेकेट लगाते हैं दोस्तों, जब दो लोग रहते हैं ना, दो चीज एक्स और वाई, तो ब्रेकेट लगा के घटाना पड़ता है हमको। अच्छा, इसके लेफ्ट को इसको, इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट को घटाए हैं, इसके राइट से इसके राइट को घटाए हैं। तो जब हम घटाएंगे, ध्यान देंगे, ये तो गलती नहीं होगी क्योंकि ये प्लस है। अब ये देखिए माइनस गुड़े प्लस, यहाँ प्लस छिपा है, माइनस गुड़े प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस गुड़े माइनस ये हो जाएगा प्लस। यही पे आप गलती कर देंगे, ध्यान देंगे, इसलिए मैं रोक दे रहा हूँ। ये माइनस गुड़े माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये जब माइनस इससे गुड़ा होगा तो माइनस रहेगा, माइनस गुड़े माइनस प्लस। जब माइनस अंदर जाता है तो सबका चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अच्छा, 8 में से 2 गया तो 6, अच्छा 8 में से 2 गया तो 6। अच्छा देखेंगे, ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स है, कट जाएगा, एक प्लस एक्स है एक माइनस एक्स है, कट जाएगा, और वाई और वाई 2y, वाई प्लस वाई 2y बराबर आ गया 6। अब ये 2 कहाँ आएगा, नीचे, 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो अब हम 2 को नीचे लाएंगे तो y बराबर हो गया 6/2, और 2 से भाग देंगे तो y का मान आ गया 3। तो इस तरह से फिर से y का मान एक बार 3 आ गया है और x का मान आ गया है 5। तो इस तरह से ये दोनों हल हो गए विलोपन विधि से, इसे हम विलोपन विधि कहते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने जो है
पूरे चैप्टर का सारांश बता दिया है, अब आ गई है बारी एक्सरसाइज की। अब आपको एक्सरसाइज बताते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 क्या कह रही है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के समीकरण बनाने हैं और ग्राफीय विधि से हल करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, पहला प्रश्न ये कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कोई गणित की पहेली है उसमें 10 लोग भाग ले रहे हैं, मतलब टोटल 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या कहा है, क्या करना है, ये देखिए ग्राफ बना के हल करना है, ये कहा है। तो देखिए हम चाह रहे हैं हल करने, देखिए ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, भाग लिए हैं, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखेंगे तो जिसकी कम रहती है उसको यक्ष मान लेंगे, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसकी कम रहेगी उसको एक्स मान लेंगे। तो देखिए कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या कम है तो हम मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या एक्स है, माना लड़कों की संख्या एक्स है, माना लड़कों की संख्या एक्स है, तो लड़कों की संख्या को एक्स मान लिए हैं। तो लड़कियों की संख्या क्या है, एक्स प्लस 4, तथा लड़कियों की संख्या को मान लेंगे यक्ष प्लस 4, लड़कियों की संख्या को क्या मान लेंगे हम, यक्ष प्लस 4 मान लेंगे। ध्यान देंगे, देखिए लड़कियों की संख्या को यक्ष प्लस 4 मान लेंगे, लड़कियों की संख्या को यक्ष प्लस 4 मान लेंगे, यक्ष प्लस 4 मान लेंगे। तो प्रश्न में ये कहा है कि ध्यान दीजिए लड़कियों की संख्या को x प्लस 4 मान लेंगे, है ना। अब इसी को हम y भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। अच्छा y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको ग्राफी विधि से हल करना है ना। तो अगर हम x प्लस 4 मान लेंगे तो वैसे ही प्रतिस्थापन से हल हो जाएगा, इसलिए y मान रहे हैं। तो प्रश्न में क्या कहा है, दोनों को जोड़ने पर 10 है, तो आप लड़कियों की संख्या को y समझिए और लड़कों की संख्या को x समझे तो बहुत आसान होगा। ध्यान देंगे ग्राफ बनाने में बहुत आसान होगा। तो प्रश्न में क्या कहा है, ध्यान देंगे तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि दोनों बच्चे जो है ना लड़के, यक्स प्लस वाई वो है 10, वो है 10, समीकरण एक हो गया। और क्या कहा है, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो ये समीकरण का काम यहाँ आ गया, यानी वाई बराबर ये दिया है कि यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 4। अब हमको ये नहीं कहा है कि किस विधि से ज्ञात करना है, बस यही कहा है कि जो है ज्यामिति ग्राफीय विधि से करिए बस। अब ये नहीं कहा है कि जो है विलोपन या प्रतिस्थापन लगाइए, ग्राफीय कहा है, ग्राफ बना देंगे, बात खत्म, यहां से उठा के वाई का मान इसमें रख देंगे, है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं, समीकरण एक समीकरण दो। ध्यान दीजिए अगर प्रतिस्थापन कहता तो ये वाई का मान उठा के यहां रख देते, एक्स का मान निकाल लेते, है ना। लेकिन हमसे कहा ग्राफीय विधि, तो हम ग्राफ बनाएंगे इसका। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम आपको बताए थे ग्राफ बनाने के लिए एक बार x का मान 0 लेते हैं, एक बार y का। तो अगर इसमें x बराबर 0 ले रहे हैं तो x खत्म हो जाएगा, तो y का मान आ गया 4। अगर इसमें हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो x खत्म हो जाएगा, y का मान आ गया 10। अब देखिए अब इसमें हम एक बार तो x ले लिए, है ना, 0। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर अगर 0 लेते हैं तो x का मान आ जाएगा, देखिए y बराबर 0, खत्म हो गया y, तो x का मान आ गया 10, है ना। अब इसमें अगर हम y बराबर 0 लेते हैं दोस्तों, y बराबर 0 ले लिए, तो प्लस 4 है, इधर आएगा माइनस 4 होगा, x का मान माइनस 4 आ जाएगा, x का मान माइनस 4 आ जाएगा। इस तरह से हमको सभी मान मिल गए हैं, इस तरह से हमको सभी मान मिल गए हैं। तो चले अब ग्राफ खींचते हैं, है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ खींचने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए स्केल उठा ले रहे हैं, है ना, सबको पता है ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ध्यान देखिए, अब एक ये होता है वाई एच जो सीधे है, और ये होता है यक्स एच, ये होता है यक्स एच, ठीक है। एक होता है यक्स एच, एक होता है वाई एच,
यहाँ पे 0,0 मानते हैं, पहले x फिर y फिर 1, हमको कहाँ तक लेना चाहिए, 10 तक। तो ध्यान देंगे आराम आराम से खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। फिर y का मान हमको कहाँ तक लेना है, 10 तक, ये भी लेना है 10 है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसे 10 मान लिए, इसे क्या मान लिए, 10। फिर यहाँ पे लेफ्ट में जब लेंगे तो लेफ्ट में माइनस करके लेना हमको, तो एक समान माइनस एक, माइनस दो, वाई का मान सॉरी वाई का माइनस तीन, माइनस चार, इस तरह से। फिर नीचे भी वाई है, माइनस एक है ना, माइनस दो, माइनस तीन, ध्यान देखिए एक्स का मान है ना, एक्स का माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, और ये वाई का मान है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये जो लाइन है ये x अच्छा है तो ये भी x डैश है, ये y अच्छा है तो ये y डैश है, ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए हमको कैसे, पहले इसका देखिए, x बराबर 0 तो y बराबर 10 यहाँ आ गया, x बराबर 0 तो y बराबर 10, y बराबर 0 तो x बराबर 10 यहाँ आ गया। अब इसका रेखा खींचने पहले है ना, देखिए इसका लाइन खींच लिए, देखिए ऐसे ऐसे जो है इसके रख के ऐसे लाइन कर देंगे, ठीक। अब ये आ गया है, इस ग्राफ का नाम है कि यक्स प्लस वाई बराबर 10। अच्छा वैसे भी हमको पता था ना, मतलब जैसे कि अगर यक्स का मान हम यहाँ पर जो है कितना ले लें, यक्स का मान अगर देखिए वाई का मान जो है 7 ले लें तो 3, और यक्स का मान 3 ले लें तो 3 और 4 7, और 7 और 3 10, ठीक है, वैसे भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। कितना, इसका मान 3 ले लेंगे, वाई का मान 7, बात खत्म। तो देखिए अब हम इसका ग्राफ देखें, x बराबर 0 तो y बराबर 4, ये आ गया, ध्यान देंगे x बराबर 0 यहाँ रहेगा, अब y पर 4 जाएंगे, y के ऊपर देखिए 1, 2, 3, 4, x बराबर 0, 0 जब भी लेंगे यहाँ लेंगे तो y पे 4 जाना है तो y पे 4 चले गए। अब फिर y बराबर 0 फिर यहीं आए, फिर x पे माइनस 4, ये लेफ्ट है, x पे माइनस 4 यहाँ आ गए। अब ये दोनों बुलाएंगे तो ये ग्राफ कीजिएगा, ठीक है। देखिए x y बराबर 0 तो यहीं आएंगे, फिर x पे माइनस 4 यहाँ आ गए, ये देखिए x बराबर 0 यहीं आएंगे, y पे 4 ऊपर जाएंगे, y ऊपर है, ठीक है, y प्लस ऊपर, y नीचे माइनस, x इधर प्लस, x इधर माइनस, बस। अब इन दोनों को मिला देंगे, देखिए इसको मिला दे ऐसे, तो अगर ये ऐसे मिल गए हैं दोस्तों, ये ऐसे मिल गए हैं, ध्यान देंगे तो ये जो कटान बिंदु यही हल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे ना, देखिए थोड़ा सा क्रॉस जा रहा हल्का सा, और यहाँ जब खींचेंगे ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ पर तो यक्स बराबर आ गया है कितना, यक्स बराबर आ गया है 3, और वाई बराबर आ गया है 7। ये जब ग्राफ पे आप खींचेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, यक्स का मान आ गया है 3, वाई का मान आ गया है 7। तो इस तरह से हमारा जो है ग्राफीय विधि से हल आ गया। वैसे हम इसको प्रतिस्थापन से भी रख निकाल सकते हैं, है ना, यक्स का मान 3, वाई का मान 7, लिखेंगे हल बराबर यक्स कामा वाई बराबर है, हाँ इसे लगा देंगे सेमी कॉलम, हो जाएगा यक्स का मान 3, वाई का मान 7, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दूसरे प्रश्न का जो है समीकरण बना के दे दे रहा हूँ, आप जो है इसका ग्राफ बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो 1 पेंसिल का मूल्य बताओ और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा। चलिए देखिए कैसे करते हैं, बता ही देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर ₹Y है। तो प्रश्न में क्या कहा है, ध्यान देंगे प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में यही कहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्न में क्या कहा है, पांच
पेंसिल मतलब 5x है ना, 5x और प्लस 7 कलम मतलब 7y बराबर 50। ध्यान देंगे, एक पेंसिल का 1x तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का 1y तो 7 कलम का 7y, इतना आ गया 50। ये समीकरण एक है, ठीक। अब फिर क्या है, 7 पेंसिल 7x, 5 कलम 5y बराबर 46, ठीक है समीकरण 2। अब इसमें जो है इसका भी हमें ग्राफ खींचना है, तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, ध्यान देंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पॉइंट में करके खींच लेंगे, अगर नहीं बनेगा तो पॉइंट में करके खींच सकते हैं, है ना, पॉइंट में भी लेकर जो है इसका ग्राफ हम प्लांट कर सकते हैं, ध्यान देंगे। चलिए बता दे रहे हैं आपको, एक बार x बराबर 0 ले लेंगे तो ये 0 खत्म ही हो जाएगा, तो y बराबर ये 7 आ जाएगा नीचे, 50/7 आप भाग देंगे तो 7.749 7.1 आएगा, ठीक। यहाँ पे x बराबर 0 ले लेंगे तो ये खत्म, तो y बराबर आ जाएगा, देखिए 5 आएगा नीचे, 46/5 तो 5 9 45, 1 बचा 5 2 10, ये आ गया। इस तरह से एक हमको मिल गया है, एक समीकरण मतलब एक पॉइंट हमको मिल जा रहा है दोनों में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर y बराबर 0 लेते हैं, अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो 5 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर आ जाएगा 50/5 तो ये हो गया 10, ये हमको दूसरा पॉइंट मिल गया। अब अगर इसी में हम y बराबर 0 लेते हैं, इसमें y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा 46/7 तो 7 6 42 7 6 42, फिर बचा कितना 4 0 7 5 35 7 7 49, तो इसे हम 6.6 भी कह सकते हैं, 6.6, तो ये दूसरा पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ पे, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इनका, देखिए ग्राफ विधि से हम इसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान दीजिए ग्राफ कैसे खींचेंगे बता रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो एक हम वाई लाइट की लाइन खींच दे रहे हैं, फिर हम एक्स एक्सिस की एक लाइन खींच दे रहे हैं, इस तरह से देखिए इस तरह से ग्राफ खींच ले रहे हैं, ठीक है। अब हमको कहाँ तक लेना है, एक्स एक्सिस को हमको 10 तक लेना है और वाई को भी 10 तक लेना है, समझ लीजिए यही तो एक है, इसमें ग्राफ हमको खींचना पड़ेगा 0,0। अगर ग्राफ पेपर होता तो मज़ा आ जाता, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वाई पे भी हम जो है 10 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई है। देखिए मास में कुछ है नहीं तो मास में लेना नहीं, छोड़िए मास को। अब पहला ये देखिए, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 7.1, तो एक्स बराबर 0 यहाँ पर है, वाई बराबर 7 हमको ऊपर जाना है, 7 ये है थोड़ा सा इधर ले लेंगे, 7.1 है ना, ये है एक्स पे 0 वाई पे 7.1 को हम लिखेंगे 50/7 वही लिखेंगे, ठीक। अच्छा फिर देखिए वाई बराबर 0 यहीं पे आ जाएंगे, वाई बराबर 0 यहीं पे आ गए, फिर हम लेंगे एक्स का मान 10, एक्स पे 10 पे यहाँ पर आ गए, ये ग्राफ मिल गया हमको, ठीक है। अब हम इसका जो है लाइन खींच लें भैया, एक चीज़ मिल गया तो इसका लाइन खींच लें भैया, चलिए चलिए ये हमारा हो गया कि ये हो गया 5x + 7y = 50, इसका नाम है। फिर क्या है कि दूसरी ग्राफ देखेंगे कैसे खींचते हैं हम, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 9.2 लेना है, एक्स बराबर 0 0 यहीं शुरू होगा 0, फिर वाई पे हमको जाना है कहाँ तक 9.2 तक यहाँ तक, फिर वाई बराबर 0 वाई बराबर 0 फिर यहीं आ गए, एक्स पे कहाँ जाना 6.6 तक, 6.6 मान लीजिए यहाँ पर कहीं आ रहा है, चलो वो तो गेस करना ही पड़ेगा, ठीक है ये आ रहा है, तो ऐसे ग्राफ खींच लेंगे, ध्यान दीजिए इस तरह से खींच लेंगे, तो ये इस तरह से कर गया, तो ये देखिए ये देखिए एक्स का मान 3 आ रहा है लगभग लगभग, और वाई का मान लगभग लगभग 5 आ रहा है, ध्यान देंगे देखिए यहाँ देखिए ऐसे मान लीजिए मैंने कोई खींच दी, एक्स का मान 3 वाई का मान 5, तो ये आ गया एक्स का मान 3 आ गया, ये आंसर है, और एक है वाई का मान 5,
तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ पर, जो अगर ग्राफ कापी आप ले लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर जो है बिना मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको आ जाएगा। तो लिख देंगे हल बराबर एक्स कामा वाई बराबर 3.5। अब अगर हमको चेक करना हो दोस्तों तो यहाँ पर रख के चेक कर लेंगे। देखिए 3 रखेंगे, 5 3 15, 7 5 35, 15 35 50। यहाँ देखिए 3 7 21, 5 5 25, 21 25 46। तो यहाँ पर रख के हम जो है चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या कह रहा है ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा था कि ये देखिए क्वेश्चन आ गया 2, कह रहा है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, फिर है C1 बटे C2, ध्यान देंगे कि तुलना करके निम्न समीकरण को हमको ये बताना है कि ये प्रति रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। देखिए अब हम पेज पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, हमको ये बस बताना है कि ये समांतर है कि नहीं। पहले देखिए पहला 5 है, फिर 7 है, फिर -4 है, 6 है, फिर 8 है, फिर -9। क्या बराबर हैं? ये तो बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए 2 से कट गया 2 के 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये मतलब कट गया तब भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं है। तो अगर तीनों बराबर नहीं है तो कैसे रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कैसी हैं प्रतिच्छेदी। तो पहला हमारा प्रतिच्छेदी हो गया। अगर तीनों बराबर नहीं है दोस्तों, A1 बटे A2 बराबर नहीं है, B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, C1 बटे C2 के, तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक। ये हमारा प्रतिच्छेदी हो गया। दूसरा क्या है इसका, इसका दूसरा वाला पार्ट ये है, देखिए क्या कह रहा है। एक है 9 बटे 18, फिर देखिए 3 बटे 6 ऐसे कर देंगे, फिर देखिए 12 बटे 24 बराबर आ रहा है। देखिए 9 के 9, 9 दूनी 18, 3 को 3, 3 दूनी 6, 12 के 12, 12 दूनी 24, तीनों बराबर आ गया। 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, मतलब है कि A1 बटे A2 बराबर है, B1 बटे B2 बराबर है, C1 बटे C2, इसका मतलब रेखाएं समपाती हैं, इसका मतलब रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा क्या कह रहा है ध्यान देंगे, तीसरा कह रहा है कि 6 बटे 2, मतलब 6 बटे 2, फिर है -3 बटे -1। ध्यान देंगे इसे एक्स जो नहीं है एक्स को छोड़ देंगे, ये उसका कॉफिशेंट लेंगे, गुणांक 6 फिर 2 फिर इसका -3 -1। अगर आप इसे एक्स एक्स ले लिए हैं ना तो ये एक्स कट जाएगा, घबराने की बात नहीं। अगर आप एक्स एक्स ले लिए गलती कर, मान लीजिए आपने वाई वाई ले लिया तो ये वाई वाई कट जाएगा, ठीक है। जो कटेगा उसको हमको काट देना हो वैसे भी 10 बटे 9, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि ये क्या होगा, कट गया, माइनस माइनस भी कट गया। देखिए 2 के 2, 2 3 6, ये तो नहीं कट रहा है, तो ये आ गया 3 बटे 1। ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए ये आ गया, देखिए इस क्या हुआ, जैसे कि ये था कि 6x, एक क्या था ये 6x था ना, देखिए पीछे लिख लीजिए इसको 6x, फिर ये 2x। तो अगर हम मान लीजिए x x रख लिए तो भी कट जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए y y रख लिए तो भी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6, फिर ये तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, फिर 10 ये कट ही नहीं रहता, ये हो गया 3 बटे 1, ये भी 3 बटे 1, ये 10 बटे 9, ठीक है 10 बटे 9। तो ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, दो बराबर हैं एक बराबर नहीं है। तो ये किसका नियम था कि दो बराबर एक नहीं, से मान लीजिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो ये हो गए समांतर, क्या हो गए समांतर हैं, क्या हैं समांतर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। थोड़ा सा बीच में नहीं दिखाता, आप लोग जो है फिर से आगे जो देख लेंगे इसको समझ लेंगे, है ना। जैसे कि यही था कि 6 बटे 2, 2 3 6, फिर ये 1 3 3 ही था, दो बराबर हो गए, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 बटे C2 की तुलना करके समीकरण को ये बताना है संगत है या असंगत है। तो ध्यान देंगे तीसरे का पहला, तो ये था 3x 2y 5, तो फिर वही 2x 3y -3y 7। तो इसको हम जब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसका 3 ले लेंगे, इसका फिर 2, फिर इसका लेंगे 2, फिर इसका 3, बराबर नहीं है ना, नहीं, फिर इसका 5, इसका 7, बराबर नहीं है, ठीक। अगर तीनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी हैं, क्या हैं प्रतिच्छेदी हैं, अगर प्रतिच्छेदी हैं तो ये संगत हल हैं, कैसे हैं संगत, ये पहले ही आपको हम बताए थे, ठीक है, ये पहले ही शुरू में बता दिए थे। फिर इसका दूसरा क्या है ध्यान देंगे, दूसरा है देखिए
2/4, फिर -3/6, एक कट रहा है 2 के 2, 2 × 4 ये -6 है, -+ कट गया, 3 को 3, 3 × 6 फिर क्या है 8/9, ये तो नहीं है, 2 बराबर है, ये बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है। तो ये था समांतर का कंडीशन, क्या है समांतर। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो उसे हम कहते हैं असंगत है, क्योंकि कहीं काटेंगे ही नहीं। अच्छा हाँ ध्यान नहीं, कहीं काटेंगे ही नहीं। और फिर देखिए तीसरा क्या है, तीसरे पे ध्यान देंगे आप लोग, तीसरे पे विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, क्या है तीसरा, तो ये है 2/3, सॉरी 3/2 है ना, हाँ 3/2, फिर इससे भाग देंगे 9 से, ये 9 नीचे ही रहेगा, ठीक नीचे ही रहेगा। देखिए अगर हम इस 2/3 में इससे भाग देंगे इसके 9 से, तो कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा भाई, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है ना, तो जब इससे भाग देंगे तो 9 नीचे ही रहेगा। फिर ये है 5/3, इसका जो -10 वो भी नीचे ही रहेगा। फिर है 7/14, ठीक ये सी वाला बाहर लिखे, अगर इसको हम यहाँ बाहर माइनस लिया जाए तो भी माइनस माइनस कट जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए 3 को 3, 3 × 9, 5 को 5, 5 × 10 इस तरह से कटा, देखिए तो ये आ गया 1/2 × 6, ये आ गया 1/2 × -6, ये 7 को 7, 7 × 14, एक भी नहीं बराबर है, एक भी नहीं बराबर है, तो रेखाएं क्या है प्रतिच्छेदी हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो क्या बोलेंगे, संगत कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये संगत हल हैं, ठीक है इस तरह से। अब ये संगत हल हो गए। अच्छा अब मान लीजिएगा हमको चौथा देखना है, ये चौथा, चौथा देख लेंगे, चौथा कैसे निकालते हैं धान, चौथा बता रहे हैं हम आपको, चौथा दिया है कि 5x, तो इसका 5, इसका -10 ले लिए, तो इसका -3 ले लिए, फिर इसका 6 ले लिए, फिर इसका 11 ले लिए, इसका -22 ले लिए। देखिए अब कट रहा है तो काट देंगे, 5 को 5, 5 × 10, 3 को 3, 3 × 6, 11 11 11 22, तीनों बराबर आ गए कि -1/2, माइनस आप चाहे नीचे रखिए चाहे ऊपर, एक ही बात है, तीनों बराबर आ गए ना, तो इसका मतलब ये जो है संपाती हैं, कैसी हैं संपाती हैं, तो मतलब बहुत जगह काट रही, तो इसके कैसे हल हैं, संगत हैं, कैसे हैं संगत हैं इस तरह से। अब देखिए पांचवा भी देख लीजिए, पांचवा क्या है ध्यान देंगे, पांचवा, पांचवा 4/3x था ना, 4/3x था, और फिर 2 है, फिर क्या है 2x/3y है ना, इस तरह से ध्यान देंगे। पांचवा, पांचवा क्या है ये देखिए, पांचवा 4/3 है, तो इसके 2 से इसमें क्या हो जाएगा, नीचे गुणा हो जाएगा, नीचे डिवाइड होगा ना वो पूरे में, तो नीचे गुणा हो जाएगा। फिर इसका यहाँ 2 है, ध्यान दीजिए 2 है ना ये, और फिर इसका 3 है, भाग देंगे, फिर ये 8 है, फिर ये 12 है, काट के देखिए 2 के 2, 2 × 4, देखिए ये तो कटा ही है, 4 × 2, 4 × 3, ये तीनों भी बराबर हैं भाई, 2/3 भाई, 2/3, 2/3, अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं क्या है प्रतिच्छेदी है, सॉरी संगत है, क्या है संपाती है ना, तो संपाती है तो क्या हो गई संगत हो गई, संपाती तो क्या हो गई संगत हो गई, इस तरह से ये पांचवा भी हो गया। अब चौथा क्या कह रहा है हमको, ये देख कर ही बताना है, ध्यान देंगे चौथे में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को युग्म संगत या संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ध्यान देंगे अब आपको क्या है कि पहले ये बताइए कि संगत है कि नहीं, तो आप इसको जो है होमवर्क में कर लेंगे, क्योंकि इतना तो मैंने बता ही रखा है कि संगत असंगत आप पहचान सकते हैं, कि भाई अगर देखिए प्रतिच्छेदी है या संपाती है तो संगत है, नहीं असमांतर है, समांतर है तो असंगत है, ग्राफीय विधि आपको बताई दिया हूँ, उसको हल कर लेंगे, ठीक। अब मैं पाँचवा आपको बताता हूँ, ये आप लोग होमवर्क में रखेंगे, ये चौथा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में रखिएगा, ठीक है ध्यान दीजिए, अगर आप लोग कुछ भी होमवर्क नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो इसलिए अब मैं पांचवा आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, तो बैटरी अवेल पर पता है, चलिए देखिए, कह रहा है एक आयताकार बाघ है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, अर्ध परिमाप 36 है, तो बाघ की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो मतलब जैसे कह रहा है आयताकार बाघ है ना, आयताकार, ध्यान दीजिए आयताकार क्या होता है, इस तरह का होता है आयताकार, ध्यान दीजिए ये नहीं चल रहा, ये आयताकार हो गया, तो इसकी लंबाई को हम जो है इसकी लंबाई को एल मान ले रहे, चौड़ाई को बी मान ले रहे, तो प्रश्न में कह रहा है कि जो लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ठीक है अर्ध परिमाप दे रखा है, उसके बाद कह रहा है बाघ की बीमाएँ बताओ, मतलब यल और बी बताना है हमको, तो ये दिया है प्रश्न में, ये दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, लंबाई मतलब यल, चौड़ाई मतलब बी से 4 ज़्यादा है, ये समीकरण 1 है, ठीक। फिर कह रहा है अर्ध परिमाप,
तो अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि यहां से इतना और फिर इतना जोड़ लो, एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये दे रखा है अर्ध परिमाप, कितना दिया है 36। तो एल प्लस बी समीकरण दो, एक दो को हल कर लेंगे, एक दो को हल करेंगे, कैसे करेंगे, समीकरण एक से एल का मान समीकरण दो में रख देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण एक व दो से, ठीक है, तो एक से एल का मान इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 बराबर, एल का मान रखेंगे बी प्लस 4 प्लस बी, देखिए बी और बी टू बी, 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 4 बी और बी टू बी, तो ये कितना हो गया 32 बराबर 2b, ठीक है, तो 2 आ जाएगा नीचे, तो 32 बटे 2, तो b का मान कितना आ गया 16, b का मान कितना आ गया 16। अब b का मान आप समीकरण एक में रख दीजिए या दो में रख दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है हल मिल जाएगा। तो b का मान समीकरण एक में रखने पर, b का मान समीकरण एक में रखने पर, b का मान समीकरण एक में रखने पर रख दिए, तो एल बराबर आ जाएगा 16 प्लस 4, मतलब एल बराबर आ गया 20 मीटर। तो देख ध्यान देंगे, 20 और 16 जोड़ने पे 36 आ भी रहा है, तो इस तरह से आप आंसर भी चेक कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से आपका जो है पांचवा प्रश्न हल होगा। देखिए छठवा क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण है 2x 3y माइनस 8 बराबर 0, और फिर दो चर में ऐसी और रैखिक समीकरण बताइए जो ज्यामितीय रूप ऐसी इस तरह से हो, तो मतलब हमको और बताना है, ध्यान देंगे कैसे कह रहा है ये। देखिए पहला कह रहा है कि ये जो एक समीकरण तो दे रखा है कि 2x + 3y - 8 = 0, ये दिया है, फिर कह रहा है और ऐसे समीकरण बताइए दो चरों में, है ना, कि पहला क्या कह रहा है कि वो प्रतिच्छेदी हो, तो प्रतिच्छेदी कब होगी, जब एक भी बराबर नहीं रहेगी, जब एक भी बराबर नहीं रहेगी, तो प्रतिच्छेदी होने के लिए पहला आंसर क्या होना चाहिए, मतलब जैसे 2x है तो आप 3x ले लीजिए, फिर 3 है वाई, फिर 4y ले लीजिए, माइनस 8 है तो माइनस 9 ले लीजिए, अब ये बराबर नहीं है, तो ये पहला आंसर हो गया। अब आप रेशियो लेंगे ना, तो 2/3, 3/4, 8/9 बराबर नहीं है, तो इसलिए हो गया प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा था कि समांतर हो, क्या हो, समांतर कह रहा है, समांतर हो, है ना, दूसरा कह रहा है समांतर हो, समांतर होने के लिए क्या, कि 2 का रेशियो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो इसे मान लीजिए 2 है तो 2×4x ले लिए और 3×6y ले लिए, और इसको -8 है तो -9 ले लिए, देखिए ये दोनों रेशियो बराबर आ जाएंगे ना, 2 के 2, 2×4, 3 को 3, 3×6, ये बराबर नहीं आएगा, तो ये हो गया आपका। अब देखिए तीसरा, तीसरा देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि संपाति हो, संपाति मतलब तीनों का रेशियो सेम आ जाए, तीनों का रेशियो सेम आ जाए, संपाति के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, संपाति के लिए जैसे 2x है तो 2×4x ले, या 2×3 6x ले लिए, 6x, फिर 3×3 9, 3×3 9, फिर 8×3 24 माइनस साइन भी ले लिए, अब क्या होगा, सब करके सेम आ जाएगा, तो ये हो गया संपाति, ठीक है, इस तरह से छठवा आंसर भी हो गया। अब मैं आपको सातवां बता दूं, नहीं तो बैटरी भी ऑफ हो रही है, फिर मैं आपको जो है इसका जो है नेक्स्ट पार्ट का जो है एक बना दूंगा एक वीडियो, जिसमें दोनों एक्सरसाइज में आपको जो है कंबाइन करके दे दूंगा। सातवां क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं सोचा था एक ही वीडियो करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया है ना, देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है ना, इसलिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको बता दे रहे हैं हम, कह रहा है समीकरणों x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए इनके ग्राफ खींचना, साफ बात, इनके ज्यामितीय ग्राफ खींचेंगे, फिर उनके बिंदु बताएंगे तीनों के, ठीक है। देखिए एक तो ये है x - y + 1 = 0 समीकरण एक, और एक है हमारा 3x + 2y - 12 = 0 समीकरण दो, इनके पहले ग्राफ खींचेंगे, फिर x अक्ष इन रेखाओं से जो बनेगा त्रिभुज उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और फिर इसको छायांकित करेंगे। देखिए तो अब इसको ग्राफ खींचने के लिए क्या है कि पहले हम, सबसे पहले हम x बराबर 0 लेते हैं, तो ये खत्म, तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1, इसमें भी x बराबर 0 लेंगे तो ये खत्म, माइनस हो जाएगा, तो 2 आएगा नीचे, तो 12/2 यानी कि 6, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, y 0 लेंगे, एक बार x 0 एक बार y 0, तो अब अगर y 0 लेते हैं तो x, ये y खत्म, तो प्लस 1 है, जाएगा क्या जाएगा माइनस, तो x बराबर -1 हो गया,
अगर इसमें वाई बराबर जीरो लेते हैं तो वाई खत्म, तो माइनस 12 उधर जाएगा, क्या जाएगा, प्लस 12, तो ये 3 आ गया नीचे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 4। इस तरह से ग्राफ हो गया। ठीक है, अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। हमको 4 पॉइंट मिल गया, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचना है, बहुत आसान है। देखिए इस तरह से एक वाई एक्स खींच लेंगे, सबसे पहले वाई एक्स हो गया, अब हम एक्स एक्स खींचेंगे। ध्यान दीजिए, एक्स एच हो गया, वाई एच हो गया, एक्स एच हो गया। हमको कहाँ तक लेना है दोस्तों, हमको एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 6, यही लेना है। एक्स एच ये हो गया, ये वाई एच हो गया, एक्स एच। देखिए यहाँ 0, 0 लेते हैं, फिर लेते हैं 1, 2, 3, 4, थोड़ा ले रही है ना, बस फिर वाई पे 6 जाना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 छः, एक्स बराबर माइनस 1 ले लिए, माइनस 2 ले लिए, माइनस 3 छोड़ दीजिए, फिर वाई पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, काम ही नहीं इसका, छोड़ो। अब देखिए पहला एक्स बराबर 0 यहीं आ गए, वाई बराबर 1 तो ये आ गया हमारा एक पॉइंट, फिर वाई बराबर 0 यहीं आ गए, एक्स बराबर माइनस 1 ये आ गया एक पॉइंट। इसका ग्राफ खींचे, अगर हमको कोई पॉइंट मिलता है तो तुरंत हमको उसका ग्राफ खींच लेना चाहिए। मिल गया 2 पॉइंट, ग्राफ खींच लिए इसका। फिर देखिए एक्स बराबर 0, 0, वाई बराबर 6 इस पर आ गए, समझाए, एक्स बराबर 0 यहीं आएंगे, वाई बराबर 6 ऊपर आ गए, वाई बराबर 0 यहीं आएंगे, एक्स बराबर 4 इधर आ गए, ये ग्राफ खींच लिए। ध्यान दीजिए अगर इसे हमको कोई पॉइंट मिले ना दोस्तों तो तुरंत हमको ग्राफ जो है खींच लेनी चाहिए। क्या खींच लेनी चाहिए, ग्राफ तुरंत खींच लेनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया, तो ये हमारा पॉइंट आ रहा है। अगर हम ग्राफ खींचे तो ना एग्जैक्ट ऐसे आता, तो यह देखिए एग्जैक्ट, अगर ग्राफ रहते तो एग्जैक्ट आता। अच्छा मैं इसे कैसे जान जा रहा हूँ, थोड़ा सा तिरछा कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मुझे पता, देखिए एक्स बराबर जैसे हम 2 रखेंगे तो 1, 3, तो वाई का मान 3 रखेंगे तो खत्म, इसलिए तो ये मैं इसे भी देख भी ले रहा हूँ, तो इस तरह से मैं कर ले रहा हूँ, एक्स बराबर 2 तो वाई का मान 3। अगर आप ग्राफ पे खींचेंगे तो एकदम सही आएगा, नहीं तो आप इसको आंसर जो यहाँ से मिलाते रहेंगे, मतलब इसे एक्स बराबर 2 रखने पर तो वाई बराबर 3 आ गया, 0 हो गया, एक्स बराबर 2 इधर रखे, 2, 3, 6, वाई बराबर 3, 2, 6, 6, 6, 12, माइनस 12 बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिल गया ये। तो हमारा त्रिभुज क्या बना, देखिए ये जो हमारा त्रिभुजाकार पटल बन रहा है, ये हमको हल नहीं करना था, ये हमको बताया था ये त्रिभुजाकार पटल बन रहा है, ये देखिए ये आकृति, ये कहा था रंगीन कीजिए, तो इसे हम रंगीन कर दिए, ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान है 2 और y का मान कितना है 3। यहाँ पे x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान है -1 और y का मान 0। यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान है 4, y का मान है 0। तो ये हमारे निर्देशांक हो गए शीर्षों के, 2, 3, -1, 0, 4, 0, और छायांकित भी कर दी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख देंगे डायरेक्ट शीर्षों के निर्देशांक लिखेंगे, अतः शीर्षों के निर्देशांक देखिए तो -1, 0, 4, 0 तथा 2, 3 है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये हम साथ में पहले एक्सरसाइज भी आपको बता दिए, अब जो है दूसरी एक्सरसाइज बताते, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है ना, बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया है, अब हम आपको तुरंत इसमें दूसरा वीडियो बताएंगे, अगर हो पाएगा तो दोनों को कनेक्ट करके देंगे दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा, जैसा भी होगा आप लोग समझिएगा, है ना, वैसे तो आपको समझ में पूरा आएगा, लेकिन कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।